अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओरियन डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आने वाले F1 एरर कोड के बारे में कि इसका क्या फॉल्ट हो सकता है। काफ़ी सारे भाइयों का ये क्वेश्चन था कि अगर F1 का एरर कोड आ रहा हो तो इसका क्या फॉल्ट हो सकता है। तो काफ़ी क्वेश्चन होने के बावजूद दोस्तों मैं इसका जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दी ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है ताकि मेरे जो भी दोस्तों नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपके ओरियन डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F1 का एरर कोड आ रहा हो तो इसका दोस्तों जो फॉल्ट आएगा वो ये है कि आउटडोर में जो किट होती है जिसको आप PCB कहते हैं उसके ऊपर एक IC लगी होती है। तो आपने दोस्तों उस IC को चेक करना है, अगर वो ख़राब हो चुकी है आप मीटर से चेक कर सकते हैं, डिजिटल मीटर से उसकी कंटिन्यूटी चेक करें। अगर वो दोस्तों ख़राब है, किसी वजह से जल गई है तो तब ये एरर कोड आ जाता है। तो आपने दोस्तों क्या करना है, अगर आप खुद रिपेयर कर सकते हैं तो आप खुद कर लें, या दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर इस किसी भी को लेकर जाएं तो वो आपको रिपेयर कर देंगे। आप दोबारा इसको दोस्तों रिपेयर करा कर लगा दें तो ये एरर कोड आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप F1 के एरर कोड को ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको समझ आ चुकी होगी। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है ताकि दोस्तों मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।